असलम वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल कैसे हो आप सब लोग उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे तो आज की जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप डार्क स्किन टोन को किस तरह से लाइट टोन में लेके आ सकते हैं सबसे पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें ताकि जितनी ड्राईनेस है वो खत्म हो जाए उसके बाद यहाँ पे हम करैक्टर अप्लाई कर रहे हैं आप ऑरेंज टोन में कोई भी करैक्टर अप्लाई कर लो आपके पास किसी भी कंपनी का है आप वो अप्लाई करो डार्क स्किन टोन को लाइट करने के लिए करैक्टर बहुत जरूरी है वो आप डार्क शेड में किसी भी टोन में चले जाओ अगर आप टी पेंट में लिए तो थर्टी एट नंबर भी आप यूज कर सकते हो उसके बाद यहां पे मैं इनको फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूं सर्दियों में मैं मोस्टली फाउंडेशन यूज करती हूं क्योंकि आपकी जो फाउंडेशन है वो ख़राब नहीं होती अगर आप एक अच्छे तरीके से अपनी बेस बना रहे हो तो कभी भी ख़राब नहीं होगी फाउंडेशन बेस्ट है फ्लॉलेस नजर एक ही बेस नज़र ना आए उसके लिए आप फाउंडेशन की पतली लेयर यूज़ करो तो वो बहुत ही अच्छी लगेगी उसके बाद हम यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट्स को जो है कंसीलर से हाईलाइट कर रहे हैं कंसीलर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो अच्छे सा कोई भी हो तो उसको लाइट शेड में आप अपने हाईलाइट लाइट एरिया उसी के साथ आ चाहे हम क्रीम काउंटर का यूज़ करेंगे क्योंकि जब आप कोई मॉडल मेकअप करते हो या किसी ऐसे फेस पे काम करते हो जो बहुत जबी फेस हो उस पर हम क्रीम काउंट्रो यूज़ करते हैं तो यहाँ पे मैंने आज इनके फेस पे क्रीम काउंट्रे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हाईलाइट एरिया को अलहदा से ब्लेंड करेंगे क्रीम काउंटर को अलहदा से ब्लेंड करेंगे इससे क्या है कि आपके फेस की शेप एकदम से पॉप करते हुए नज़र आएगी पॉप मींस एकदम से शार्प फेस आपका नज़र आएगा जो एक दबी हुई लुक थी ना वह इन्हांस होके नज़र आएगी ठीक है उसके बाद मैंने यहाँ पे पाउडर से अपनी फाउंडेशन को सेट किया है कोई फेस पाउडर मैंने बीन के फेस पर अप्लाई नहीं किया क्योंकि फाउंडेशन को सेट करने के लिए पाउडर बहुत ज़रूरी है उसके बाद हम आइज़ मेकअप करेंगे अच्छे से ब्लेंड करेंगे हम एक पिंकिश औरेंज शेड को जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एकदम से क्योंकि इनकी आइज है वो दबी हुई है और इसकी आईज को हमने पॉप करके दिखाना अच्छे है अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है और जो इनका सॉकेट है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डार्क कलर इसलिए अप्लाई रही हूँ ताकि सॉकेट की जो लाइन है वो बहुत ही खूबसूरती से ब्लेंड हुए नजर आए और आइज़ की जो लुक है वो ज़रा ड्रोमेटिक अच्छे से ब्लेंडिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर आपकी लाइंस विजिबल होंगी तो आपका मेकअप प्यारा नहीं लगेगा इसलिए लाइंस को हमेशा नोट कर लिया करें कि कहीं भी लाइन विजिबल ना हो और इसके बाद हम यहाँ पे आईब्रो की मेकिंग करेंगे आईब्रोज को थोड़ा सा हम मोटा करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आईब्रोज की शेप से बहुत पतली थी और वो सूट नहीं कर रही थी इनके फेस यहाँ पे हम अच्छे से ब्राउ मेकिंग करेंगे उससे हमारा जो आर्ट एरिया है ब्राउ बोन एरिया है वो एकदम से हाईलाइट होता हुआ नजर आएगा और वो बहुत ही खूबसूरत लगता है क्योंकि ब्राउ बोन का एरिया अगर हाई होता हुआ नजर ना आए ना तो वो खूबसूरती आती ही नहीं आपके मेकअप में ब्लैंडिंग को एक दफा से प्रॉपर देख लिया करेंगे किस एरिया में कलर हमारा नहीं है उसको रीएप्लीकेट कर लें तो आइस की शेप जो है एकदम से प्रोमिनेंट हो जाती है उसके बाद हम यहाँ पे लिड के ऊपर एक डल गोल्ड सा कलर अप्लाई करेंगे क्योंकि साड़ी की कढ़ाई में जो कलर होगा वही हम इनकी आइस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमने डल गोल्ड कलर अप्लाई किया अब हम इनके गोल्डन सा ग्लिटर गोल्डन ग्रीनिश का मिक्सचर था वो ग्लिटर हम इनके अप्लाई करेंगे कोई सीलर नहीं अप्लाई किया क्योंकि ये ग्लिटर ही स्टिकी होने स्टिकी सा ग्लिटर था जो खुद बहुत ही स्टिक उसके बाद हम यहाँ पे लैश लाइनर को नीट करेंगे लाइनर की हेल्प से अच्छे से लाइनर करेंगे क्योंकि लैशेस लगानी है तो लाइनर की लाइन खींचना बहुत जरूरी एक्स्ट्रा पाउडर का हमने डस्ट ऑफ कर दिया था लेकिन यहाँ पे अब जो है हम फेस पाउडर अगेन अप्लाई करें क्योंकि पाउडर की ही फिनिशिंग नहीं दे देने फेस पाउडर भी अप्लाई करना है कॉन्टोरिंग ब्लशन आप देख चुके हो कैसे लगाती हूँ उसका वर्ड पता नहीं कैसे मिस हो गया तो यहाँ पे मैंने इनके आइज़ में जो है ब्लू का एंड सा एक्वा कलर मैंने इनकी आइज में अप्लाई किया जो बहुत ही प्यारा लग रहा था आजकल ट्रेंड में लैशज को मस्कारा कर लेंगे क्योंकि इसके बाद हमने इनकी आ, आई अप्लाई करनी है तो आई लेशेस लगाने से पहले ही मैं मस्कारा करती हूँ फिर आई लैश आपकी ख़राब नहीं आप आई लेशेस होती को इस तरीके से री कर सकते हो क्योंकि जब आपकी लैशेज़ ख़राब नहीं हुई होंगी तो फिर आप उसको री कर सकते हो ना ईज़िली यहाँ पे जो हाइलाइटर यूज़ करी हूँ वो कशिश का हाइलाइटर यूज़ करी हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था एकदम से इनकी जो स्किन है वो ग्लो करने लग गई थी नेचुरल सा ग्लो आने लग गया था लिपस्टिक अप्लाई करें लिपस्टिक हम इनको रेड अप्लाई करे हैं क्योंकि लुक ऐसी क्रिएट की थी हमने कि इसके साथ रेड कलर ही सूट करना था तो हमने इन अब हम इनको लैशेस अप्लाई करेंगे यहाँ पे क्योंकि लैश ग्लू लगा के मैं कुछ सेकंड्स के लिए लश्जी हो जाती है इसी के साथ आप लोग मुझे इजाज़त दें आप लोगों को अगर मेरा मेकअप अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा इसी के साथ आप लोग मुझे इजाज़त दें अल्लाह अ